बहुत कम है। अच्छा, वेट जो होता है ये बीएमआई होती है, बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से होती है, और डॉक्टर साहब देखते हैं। तो आपका वेट कम ज़्यादा नहीं होता, बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए और वो फॉल करना चाहिए उस प्री रिक्विजिट में, या आप अपना वेट करा के बीएमआई के मुताबिक डॉक्टर साहब को चेक करा सकते हैं। सर, आई हैव डन मेडिक इन साइंस बट आई हैव डन इंटरमीडिएट इन आईकॉप, कैन आई ज्वाइन पाक एयरफोर्स एज जीडीपी? ये कमीशन है पीएमए लॉन्ग कोर्स का, तो बेटा मैंने बता दिया है जीडीपी के लिए उनके प्री रिक्विजिट्स आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैन फीमेल ज्वाइन पाक फोर्सेज आफ्टर बीडीएस अनमेरिड और मेरिड? यानी आप कह रहे हैं कि बैचलर्स इन डेंटल सर्च ही की बात आप कह रहे हैं, तो इसके लिए मखसूस वैकेंसीज बहुत कई ने लाती हैं बी डी एस के लिए, तो वो पाकिस्तान ज्वाइन पाक आर्मी के पोर्टल पे आती हैं, वो आप देख लें उस लिहाज से। सर, क्या नॉन साइंस में केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है लेडीज़ कोर्स शॉर्ट कोर्स में? ये बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल क्लियर ही नहीं। वो लेडीज़ शॉर्ट कोर्स के लिए बात की थी मैंने कि वो जो प्री रिक्विजिट हैं जो ऐड आता है बेटा आपका ज्वाइन पाक आर्मी लेडी कैडेट कोर्स, उसमें से बेसिक क्वालिफिकेशन देखें जो आपके साथ मैच कर रही है उसको देखें। असलामिक सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच। सर, आई एम गर्ल एंड आई हैड बिन वेटिंग फॉर जीडीपी सीट्स सिंस 5 मंथ्स। आई हर्ड दे विल बी अनाउंस्ड इन फेबरी बट नो समवन टोल्ड मी दैट द सीट्स अनाउंसेस इन फेबरी आर ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स कैन ओनली अप्लाई इन अगस्त, इज इट राइट? ये आप देखें, ऑब्वियसली अगर साल में एक दफ़ा वो उन्होंने किया हुआ है अपना साइकिल, वो जो बेटा उनका हेड आता है उसको नज़र रखें, जिसमें फीमेल की उनको, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिक्टेट होती हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज जो जनरेट होती हैं ना उस जेंडर के लिए, तो आप ऐड पे नज़र रखें ज्वाइन पाक आर्मी, गो टू नो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप देख लें जब आएँ तो उसमें अप्लाई करें, सो यू शुड ट्राई योर लक लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सर, अगर किसी ने 12 बेस में दो मरतबा आर्मी का ISSB से नॉट रिकमेंड हो, तो ये बड़ा क्लैरिटी में पिछली वीडियो में जवाब दे चुका हूँ कि ISSB के दो चांस हैं, दो दफ़ा नॉट रिकमेंड अगर हो गया तो वो फिर अपीयर नहीं हो सकता, और अगर एक दफ़ा नॉट रिकमेंड हुआ है तो आगे उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए दोबारा अपीयर होने के लिए, वो भी हमने बता दिया है और वो ISSB लेटर में लिखा भी होता है। मेरा आर्ट्स फील्ड है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? आई लव आर्मी। बेटा ये आर्ट्स फील्ड में आपके लिए एक वन ऑफ द अर्निंग होता है कि आप MSc MPhil हिस्ट्री में करें या पॉलिटिकल साइंस या आगे डिफरेंट मीडिया साइंसेस में, तो उसकी वैकेंसीज आती हैं लेकिन कम आती हैं, तो आर्ट्स के भी ये नहीं कि डोर क्लोज्ड है, उसका भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरे नीज आपस में जुड़ते हैं या नी नॉक है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नी नॉकिंग है, ये नी से आप जुड़े हैं बेटा, तो नी नॉक इसको कहते हैं, तो नी नॉक की ये मैंने इस पर अलग वीडियो भी बनाई है मेडिकली भी है, इसमें है कि ये डिफरेंट ड्रिल्स हैं इसकी, डॉक्टर साहब गाइड करते होते हैं और ये आपको जिम वाले भी गाइड करते हैं कि उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। नी नॉक इतना सीरियस इशू नहीं है कि जिसपे आप बहुत ज़्यादा अटेंशन लें, यानी वो डॉक्टर साहब से और रिहेबिलिटेशन वालों से गाइडलाइन लें कि मैं नी नॉक कैसे दूर कर सकता हूँ और किस तरह हो सकता है इसको। सर, क्या BSADP कंप्यूटर साइंस के बाद अप्लाई कर सकते हैं? काइंडली हेल्प मी। यस, मैंने इस पर बात की थी कि जो मैचिंग क्वालिफिकेशन हो और उस मैचिंग क्वालिफिकेशन में आप आगे जाना चाह रहे हों और देखना चाह रहे हों कि कैसे किया जा सकता है, तो इसको हैंडल किया जा सकता है।